नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूपचंद की जीएस गुरु में। बच्चों आज हम जो है कक्षा 12 भूगोल यानी ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। कुछ बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर ज्योग्राफी का जो है वीडियो डालिए, तो आज बच्चों हम जो है ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो परीक्षा जिससे वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो आइए देखते हैं बच्चों, हम लोग क्वेश्चन है कि प्रतिभूमि के जो है प्रकार बताइए। जैसा नाम से लग रहा है बच्चों, प्रतिभूमि जिसपे कोई फसल वगैरह ना उगाए उसे हम प्रतिभूमि कहते हैं। बहुत कठिन नहीं है, सरला है। प्रतिभूमि के प्रकार बताइए। तो बच्चों देखेंगे कि उत्तर हम लोग क्या है कि वह भूमि जो बिना फसल उगाए लंबे समय तक किसी रहित रहती है, बिना किसी किसी रहित रहती है, प्रतिभूमि बच्चों कहलाती है। भूमि की गुणवत्ता, उर्वरता या पौष्टिकता हेतु भूमि को जो है प्रति रखना एक सांस्कृतिक जो है चलन है। यह दो प्रकार की होती है। पहला है वर्तमान प्रतिभूमि, यानी वर्तमान प्रतिभूमि किसे कहते हैं, जो एक किसी वर्ष या उससे कम समय तक किसी रहित रहती है उसे जो है वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। दूसरा है पुरातन प्रतिभूमि। पुरातन से नाम से पुराना, वह कृषि योग्य जो भूमि वह कृषि योग्य भूमि जो एक वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से जो है कम तक किसी रहित रहती है उसे जो है पुरातन प्रतिभूमि कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों जो है प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रियाओं में विभेद कीजिए। विभेद करना है, यानी इसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र भी कहते हैं। देखो ये जो है अर्थशास्त्र में भी जो है ऐसे जो है आते हैं, तो अर्थशास्त्र में भी रहता है ये प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जैसे कृषि वगैरह आता है, द्वितीयक क्षेत्र के अंदर दो धंधे आते हैं, पंचवर्षीय योजना आप पढ़ेंगे तो इसमें रहेगा। तो आइए देखते हैं प्राथमिक द्वितीयक क्रियाओं में विभेद। उत्तर बच्चों, किसी अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्रियाएं अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है, जिसमें कृषि वानिकी जो है मत्स्य शामिल है। और द्वितीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल से वस्तुओं का भी निर्माण करता है। यानी जो द्वितीयक क्षेत्र होता है वो प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल से, जो कच्चा माल होता है, कच्चे माल से वस्तुओं का जो है निर्माण करता है। इसमें इसमें जो है निर्माण, बिजली, गैस, जल आपूर्ति इत्यादि जो है सम्मिलित है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया। अगला क्वेश्चन क्या है कि चलवासी कृषि की जो है मुख्य विशेषताएं का वर्णन कीजिए। यानी जो है चलवासी कृषि का मुख्य विशेषताओं का जो है वर्णन करना है। उत्तर होगा चलवासी कृषि, हेडिंग डालो हम लोग चलवासी कृषि, स्थानांतरण में स्थानांतरित करना एक जगह से दूसरे जगह। स्थानांतरण कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है, एक जो है आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों, वनस्पति में होता है पेड़ पौधे, वनस्पतियों को जो है काट कर जो है जला दिया जाता है, और जो है साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों बोले तो जैसे लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके, आज से बच्चों क्या करता है किया जाता है, जुताई किया जाता है, जुताई करके हम लोग क्या करते हैं, बीज बोए जाते हैं। और जब तक मिट्टी की उर्वरता विद्यमान रहती है इस भूमि पर जो है खेती की जाती है। इसके बाद इस भूमि को जो है छोड़ दिया जाता है, इस भूमि को जो है छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की कृषि को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है। जैसे बच्चों वियतनाम, वियतनाम जो है रे कहते हैं, मेडागास्कर में जो है ताबी कहते हैं, कांगो में जो है मसोले कहते हैं, और पश्चिम अफ्रीका में लोगन लोगन के नाम से जाना जाता है, और मैक्सिको में जो है कोमिल 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 के जो है नाम से जाना जाता है, और यूकाटन व ग्वाटेमाला इस देश है, ग्वाटेमाला में मिल्पा मिल्पा जो के नाम से जाना जाता है। भारत में जो है झूम, कुमारी, पोंडू आदि चलवासी कृषि की विशेषताओं को निम्न रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है इस प्रकार की खेती से केवल निर्वाह ही संभव है। क्या है, निर्वाह ही संभव है, खाद्यान्न निर्भरता है। दूसरा देखेंगे हम लोग, यह कृषि जो है इको फ्रेंडली नहीं है, यानी जो है प्रकृति के अनुरूप नहीं है, इको फ्रेंडली नहीं है। इसके लिए जमीन तैयार करने के लिए पेड़ों को जो है काटा हुआ जलाया जाता है बच्चों, जो कि पर्यावरण के लिए संतुलन के विपरीत है, जो कि पर्यावरण के संतुलन के विपरीत है। तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा क्या है, देखो तीसरा है इस प्रकार की कृषि भारत के सभी क्षेत्रों में संभव नहीं है। इस प्रकार की कृषि जो है भारत के सभी क्षेत्रों में जो है संभव नहीं है। इस प्रकार की कृषि से जो है मिट्टी की उर्वरता भी जो है क्या हो जाती है, उर्वरता जो है नष्ट हो जाती है।